हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है और चार डेट्स पर, दिसंबर मंथ में चार डेट्स पर, 7, 8, 14 और 21 तारीख को ये एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर मैं मॉक टेस्ट की ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ इंग्लिश सेक्शन के लिए। और इसमें मैं 15 क्वेश्चन लूंगा जिनको आपको 10 मिनट में सॉल्व करना है, और इसके थ्रू आप अपनी तैयारी को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से चेक कर सकते हैं और डेफिनेटली ये मॉक टेस्ट सीरीज हाईली यूजफुल रहेगी। तो जब तक आपके ये एग्जाम्स चलेंगे 7, 8 और 14 और 21 तारीख से पहले पहले तक ये मॉक टेस्ट सीरीज मैं चलाता रहूँगा और इसको आप देखें, लेकिन पूरा वीडियो क्लास आपको देखना है, पूरा मॉक टेस्ट आपको देना है, तभी आपकी तैयारी अच्छे तरीके से इसमें आपको चेक हो पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मॉक टेस्ट की। आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है और इन 15 क्वेश्चंस को 10 मिनट में करना है। आप चाहें तो क्वेश्चन को पॉज भी कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है तो आप इसको पढ़ें और इसका आंसर निकालें। इसमें करना क्या है, एक सेंटेंस यहां पर दिया है और एक पार्ट इसमें से गलत होगा, कोई भी ए बी सी डी ई में से कोई भी एक पार्ट गलत होगा, उस गलत पार्ट को हटा के आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, यदि नो एरर है तो फिर नो एरर आपका आंसर बनेगा, और यदि आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो इस कॉम्बिनेशन में नहीं दिया है तो फिर नन ऑफ दीज आपका आंसर बनेगा। तो ये स्पॉटिंग एरर का एक क्वेश्चन है, नए पैटर्न का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को पहले खुद आप ट्राई करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। द बॉडी ऑफ द स्लेन इंट्रूडर हैज हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस। देखिए यहां पर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि स्लेन का मतलब है जो मर चुका है, जिसको मारा जा चुका है, डेड बॉडी को हम स्लेन बोलते हैं, और इंट्रूडर मतलब जो जिसने जो अंदर घुसा है कहीं पर। तो स्लेन इंट्रूडर जो है उसकी बॉडी को पुलिस के हवाले किया जा चुका है, किसी व्यक्ति के द्वारा उसको किया जा चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर एजेंट एक आ रहा है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि स्लेन की बॉडी को लोकल पुलिस को हैंडओवर किया गया है। तो द बॉडी ऑफ द स्लेन इंट्रूडर हैज बीन हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस। द बॉडी ऑफ द स्लेन इंट्रूडर हैज बीन हैंडेड ओवर टू द लोकल पुलिस। अब देखिए, यदि यदि आप यहां पर हैज बीन लगाएंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, यदि आप हैज बीन नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा और उसका मीनिंग क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। द बॉडी ऑफ द स्लेन इंट्रूडर हैज हैंडेड ओवर टू द पुलिस, मतलब स्लेन इंट्रूडर की बॉडी ने पुलिस को कुछ हैंडओवर किया है, जो कि बिल्कुल ही एब्जर्ड होगा। तो यहां पर आपको सी में क्या लगाना है, बीन लगाना है, यानी सी इसका आपका आंसर होगा। अब आपका आंसर क्या होगा, देखिए आंसर को सही तरीके से आपको चुनना है, जिसमें सी नहीं होगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि सी तो गलत पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा आपका ए बी डी ई, हालांकि यहां पर भी इसमें सी दिया है। ठीक है, इसमें आंसर होगा इसमें थर्ड, इसमें आपका आंसर होगा ए बी डी ई, क्योंकि सी पार्ट जो है ये गलत है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वीडियो को आप पॉज करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चलिए अब देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर कंट्री वॉज एन आइडियल टीचर एज वेल एज अ फिलोसोफर स्कॉलर और पॉलिटिशियन। तो इसका आंसर आपने क्या लगाया है, आप इसका आंसर लगा लीजिए, मैं इसकी इधर डिस्कस करता हूं। देखिए यहां पर देखिए स्कॉलर और पॉलिटिशियन, यहां पर सेंटेंस ये बोल रहा है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो स्कॉलर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, जो कि सही है। यदि आप यहां पर और लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि या तो वो स्कॉलर थे या फिर वो पॉलिटिशियन थे, जो कि गलत होगा। ठीक है, यानी ई पार्ट आपका इसमें गलत, ई पाथ इसमें आपका गलत पाथ है। अब आपको क्या देखना है, आपको ऐसा पार्ट देखना है जिसमें ई नहीं है, ऐसा पार्ट देखना है जिसमें ई नहीं है। एक्चुअली ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ई इसमें तो है, तो आपका आंसर होगा ए बी सी डी, क्योंकि ई में तो गलती है इसलिए ए बी सी डी जो पाथ है ये सही है। ठीक है, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है और इस क्वेश्चन को आप देखें और करें, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर।
और इसको पढ़ते हैं, पॉलिटिशियन एंड ऑथर शशि थरूर, इनका नाम आपने सुना होगा, पॉलिटिशियन एंड ऑथर शशि थरूर बुक व्हाई आई एम ए हिंदू विल बी मेड इनटू अ वेब सीरीज विद नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर शीतल तलवार फॉर शो रनर। पॉलिटिशियन ऑथर शशि थरूर बुक व्हाई आई एम ए हिंदू विल बी मेड इनटू ए वेब सीरीज विद नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर शीतल तलवार। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि शशि थरूर की जो किताब है वाई आई एम ए हिंदू, उसको एक वेब सीरीज की तरह बनाया जाएगा, वेब सीरीज में कन्वर्ट करके उसको बनाया जाएगा, और उसमें कौन होंगे, नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर शीतल तलवार एज शो रनर, उसके जो शो रनर होंगे वो शीतल तलवार होंगे। फॉर का प्रयोग आप ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस को बिल्कुल गलत है, यानी ई इसमें गलत है, यानी आपको ऐसा एक ऑप्शन चाहिए जिसमें ई ना हो, लेकिन ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, और एरर है सेंटेंस में, इसका मतलब आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आपका आंसर होगा फिफ्थ। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको IBPS क्लर्क एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन मॉक टेस्ट को आप जरूर जरूर ट्राई करें रियल एग्जाम में जाने से पहले। डेली मैं 10 बजे तक इन मॉक टेस्ट को अपलोड कर दूंगा, इनको आप देखें और एंड तक देखें इनको, तभी इनसे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखना है आपको, और आप चाहें तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। द न्यूली इंस्टॉल्ड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्किपिंग एनी रेफरेंस टू कश्मीर इन हिज मेडन एड्रेस टू द नेशन आफ्टर टेकिंग ओवर रेंस ऑफ द कंट्री हैज अपसेट द हार्ड लाइनर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन पाकिस्तान। देखिए इसमें क्या गलती लग रही है, देखिए यहां पर कुछ स्टूडेंट सोच सकते हैं कि हम पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, लेकिन इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये टाइटल्स होते हैं, जैसे इंडिया प्राइम मिनिस्टर, तो इसको ऐसे भी आप लिखा जा सकता है, ये सही है, ये गलत नहीं है। द न्यूली इंस्टॉल्ड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। और यहां पर ये बता रहे हैं इमरान खान के बारे में, तो यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है जो कि सही है। इमरान खान स्किपिंग एनी रेफरेंस टू कश्मीर इन हिज मेडन एड्रेस, मतलब उनका जो पहला एड्रेस था उसमें उन्होंने कश्मीर का कोई भी रेफरेंस नहीं दिया। टू द नेशन, जो एड्रेस था इनका वो नेशन के लिए था, पाकिस्तान के लिए था। आफ्टर टेकिंग ओवर रेंस ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री का पदभार संभालने के बाद, तो काफ़ी सारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को इसमें मिक्स करके सेंटेंस को टफ किया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वर्ब है और ये पूरा यहाँ पर सब्जेक्ट पात है, तो ये सही है एक्चुअली। हैज अपसेट, अब अपसेट की थर्ड फॉर्म अपसेट ही होती है, तो हैज अपसेट सही है। हार्ड लाइनर्स मतलब जो थोड़े से स्ट्रिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्ड लाइनर्स। तो ये सेंटेंस एज वेल एज इन जम्मू कश्मीर एज वेल एज इन पाकिस्तान, ये सेंटेंस सही है और इसका आंसर होगा आपका नो एरर। काफ़ी अच्छा ये सेंटेंस है और सेम इसी तरीके के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, वीडियो को आप पॉज करें और इस क्वेश्चन को करें। ये फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है आपको। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में, और बोल्ड जो पार्ट है उसको आपको ये बताना है कि किस पार्ट से, किस एक पार्ट, दो पार्ट या तीन पार्ट से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। अब देखिए, ठीक है, अब इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, पहले आप आंसर निकाल लीजिए इसका, और अब मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट विल बी हियरिंग ए पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट एक पिटीशन को हियर करेगा, और ऐसा करते हुए वो करेगा, यानी दो काम इसमें एक साथ हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हियर करेगा और इस चीज को सीक करते हुए करेगा, यानी दो काम जब एक साथ होते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, तो ये सही है। सीकिंग अ स्टे इन द डिसॉल्व्ड रफाल फाइटर जेट डील बिटवीन इंडिया विद फ्रांस क्लेमिंग देयर वर डिस्क्रिपेंसीज इन द डील। तो इसमें देखिए, जो सीकिंग ए स्टे, स्टे हम क्या करते हैं, स्टे हम किसी चीज के ऊपर लगाते हैं, तो यहां पर इन नहीं आएगा, यहां पर आना चाहिए ऑन। सीकिंग अ स्टे
ऑन द डेसल्ट रफाल फाइटर जेट डील। तो इसमें द सुप्रीम कोर्ट विल बी हैंडलिंग ए पिटीशन टू सीक भी आ सकता है, लेकिन यहां पर ऑन नहीं है इसमें, यानी इसमें इसमें केवल सेकंड ही आपका सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर होगा सेकंड, ओनली सेकंड इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर सिक्स करिए, इस क्वेश्चन को आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसका आंसर आप खुद निकालिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। पीयूष गोयल विल बी रिपोर्टेडली हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो अंटिल जेटली जेटली रिकवर्स, होना चाहिए यहां पर, क्योंकि जेटली जो है ये सिंगुलर है और प्रेजेंट सिंपल टेंस की कंडीशन को इसमें हमने यूज किया है। तो जब हम कंडीशन को यूज करते हैं तो इसमें एक पार्ट जो होता है इसमें हम विल बी या कैन बी लगा सकते हैं, और दूसरा जो पार्ट है अंटिल के बाद जब वाला जो पार्ट है, एक्चुअली ये जो वर्ड्स होते हैं अंटिल अनलेस और आपका इफ है वैन है, इनके बाद वाला जो पार्ट आता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। तो यहाँ पर रिकवर्स होना चाहिए, ठीक है, हैंडलिंग द फाइनेंस परफॉर्म पोर्टफोलियो अंटिल जेटली रिकवर्स, तो एक तो ये सही है, और हैंडलिंग द फाइनेंस पोर्टफोलियो टिल द रिकवरी ऑफ जेटली, ये भी सही है, मतलब जब तक जेटली रिकवर नहीं हो जाते तब तक पीयूष गोयल उनका पदभार संभालेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर अंटिल जो है ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि यहां पर जेटली रिकवर एक सेंटेंस है जिसमें जेटली सब्जेक्ट है और रिकवर वर्ब है, और इसके इधर वाला एक सेंटेंस दिया है, इसके एक दो इधर वाला सेंटेंस दिया है, तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो यहाँ पर अंटिल एक्चुअली कंजंक्शन की तरह यूज़ कर रहा है, और यहाँ पर टिल जो है ये प्रपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है, क्योंकि प्रपोजिशन मॉडिफाई करता है नाउन को, तो यहाँ पर हम इसको नाउन को इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, टिल जो है वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये सही है, ये फर्स्ट एंड थर्ड इसमें सही है। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं, दोनों वहां पर आ सकते हैं, इसलिए आपका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन आपके सामने है, करिए इस क्वेश्चन को, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा इसका आंसर। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। टोटली इंप्रेसिंग फॉर द केमिस्ट्री बिटवीन ऐश्वर्या एंड राजकुमार इन दोज फ्यू सेकेंड्स नेटिजन्स डिमांडेड अ सेपरेट फिल्म स्टारिंग बोथ। देखिए सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि एक एक फिल्म की इसमें बात हो रही है, और उस फिल्म में ऐश्वर्या राय और राजकुमार की जो केमिस्ट्री थी उससे जो नेटिजन्स हैं जो जो ऑडियंस है वो इम्प्रेस थी, इसलिए वो डिमांड कर रही थी कि एक सेपरेट फिल्म बनाई जाए जिसमें इन दोनों को स्टार किया जाए। तो यहां पर एक्चुअली होना चाहिए इम्प्रेसिव नहीं है, यहां पर चूंकि वो इम्प्रेस थे, इम्प्रेस होने के बाद उन्होंने डिमांड की, इम्प्रेस थे इसलिए उनको उन्होंने डिमांड की, तो टोटली इम्प्रेस बाय द केमिस्ट्री, टोटली इम्प्रेस फॉर द केमिस्ट्री नहीं होगा, इम्प्रेसिव तो गलत है यहाँ पर, इम्प्रेस्ड सही है, लेकिन इम्प्रेस्ड के बाद यहाँ पर बाय आना चाहिए, क्योंकि हम किसी चीज के द्वारा इम्प्रेस होते हैं, तो टोटली इम्प्रेस्ड बाय द केमिस्ट्री, टोटली इम्प्रेस्ड बाय द केमिस्ट्री बिटवीन ऐश्वर्या एंड राजकुमार इन दोज फ्यू सेकेंड्स नेटिजन्स डिमांडेड अ सेपरेट फिल्म स्टारिंग बोथ। ठीक है, टोटली इम्प्रेस्ड बाय द केमिस्ट्री, तो थर्ड इसमें सही है। ठीक है, ओनली थर्ड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं, और इसको क्वेश्चन को करिए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप। कश्मीर हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब कश्मीर जो है वो एक झगड़े की जड़ रही है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू आर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, 1947 से, हम यहाँ पर से का सेंस डालना चाह रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो अक्रॉस और फॉर नहीं आएगा, यहाँ पर होगा सिंस, तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, आपका आंसर होगा यहाँ पर फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन आपके सामने है, करिए इस क्वेश्चन को और पॉज कर सकते हैं आप इस वीडियो क्लास को। चलिए आप डिस्कस करते हैं इसका आंसर, आपने आंसर इसका निकाल लिया होगा, सारे आंसर्स निकाल के आपको एक कॉपी में लिखना है और मेरे आंसर से मैच करना है, यदि सही है तो एक नंबर देना है, गलत है
तो माइनस मार्किंग करनी है, और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया तो जीरो नंबर देने। इस तरीके से आपका एक रियल असेसमेंट हो जाएगा। व्हाट डू यू सी, इजंट इट द फोटो जस्ट अ ब्यूटीफुल मूवमेंट बिटवीन अ मदर एंड हर डॉटर। ठीक है, व्हाट डू यू सी, तुम्हें क्या लगता है, कोई किसी से पूछ रहा है, क्या ये फोटो एक ब्यूटीफुल मूवमेंट नहीं है एक मदर के बीच में और उसकी डॉटर के बीच में? तो ये सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं लग रही इसमें, और इसमें आंसर होगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, करिए इस क्वेश्चन को, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर और इसका डिस्कशन। ऐश्वर्या पोस्टेड एन एडोरेबल फोटोग्राफ विथ आराध्या और इंस्टाग्राम और व्हाट हैपनिंग। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। देखिए इसमें ये जो सेंटेंस है ये एंड से जुड़ेगा, क्योंकि ऐश्वर्या ने पहले एक फोटोग्राफ को इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और उसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था। तो ऐश्वर्या पोस्टेड एन एडोरेबल फोटोग्राफ विद आराध्या ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट वाज शॉकिंग, और उसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था। ठीक है, तो इसमें यहां से सही आपका सेंस बन रहा है। एंड व्हाट वाज हैपनिंग, नहीं, ये थर्ड नहीं है इसमें, केवल सेकंड का ही इसमें सही आंसर बन रहा है। तो ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, थर्ड इसमें आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, और कौन कौन से वर्ड इस फिलर में आ सकते हैं, क्या एक आ सकता है या सारे आ सकते हैं? तो इस क्वेश्चन को करें आप और इसका सही आंसर बताएं, इस वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। बिशप काउंसिल, काउंसिल कौन होता है, काउंसिलिंग काउंसलर होती है, काउंसलर का काम होता है एडवाइस करना। तो बिशप काउंसिल आल्सो दैट फर्दर डिटेंशन वाज नॉट नीडेड सिंस ही हैड बीन इंटरोगेटेड फॉर आवर्स बिफोर एंड आफ्टर हिज अरेस्ट। किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है और बिशप का जो काउंसिल है वो उस पर एडवाइस कर रहा है कि अब डिटेन करने की इस व्यक्ति को जरूरत नहीं है। डिटेंशन का मतलब होता है हिरासत में ले लेना इंटरोगेशन के लिए, क्योंकि उसका इंटरोगेशन पूरा हो चुका है, इसलिए इस व्यक्ति को फर्दर डिटेन करने की जरूरत नहीं है। तो बिशप का जो काउंसिल होता है वो एक एडवाइजर होता है, वो ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि ऑर्डर देने की जो अथॉरिटी होती है वो जज की होती है, काउंसिल की नहीं होती, वो केवल एडवाइस दे सकता है। क्लेम का मतलब होता है स्टेट करना, तो क्लेम वर्ड यहां पर सही हो सकता है, लेकिन सारे वर्ड एक बार देख लेता हूं मैं। अक्लेम का मतलब प्रेज करना, तारीफ करना, तो अक्लेम तो सही नहीं होगा यहां पर। कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, यहां पर काउंसिल जो है बिशप का काउंसिल ये किसी चीज को स्वीकार नहीं कर रहा है, ये अपनी ओपिनियन दे रहा है कि फर्दर डिटेंशन की जरूरत नहीं है। तो यहां पर सबसे सही जो ऑप्शन होगा वो होगा क्लेम, क्लेम यहां पर आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है, और इस वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। द अराइवल ऑफ टूरिस्ट टू द डेस्टिनेशन हैज कंसिडरेबली आफ्टर द नीपा आउटब्रेक इन कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट। देखिए नीपा एक वायरस है, इसका नाम सुना होगा, आउटब्रेक का मतलब होता है फैलना किसी भी चीज का तेजी से। तो नीपा वायरस जब वहां पर फैलेगा तो टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी या कम होगी? डेफिनेटली कम होगी। तो चूंकि हैज लगा हुआ है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर आपको चाहिए, V3 आपको चाहिए, लेकिन ये कंटेक्चुअली भी सही होना चाहिए। तो कंटेक्चुअली डिक्लाइंड इसमें सही है, डिक्लाइंड की जगह इसमें लेसेंड वर्ड होता वो भी सही होता, डिक्रीज वर्ड होता वो भी सही होता। सर्ज का मतलब तो आगे बढ़ना होता है, गलत हो जाएगा। एंजॉयड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, रिपल्स पीछे हटना, ये गलत है। तो इसमें सही आंसर होगा आपका डिक्लाइंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करें। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका आंसर। द स्पेक्टिकुलर शो बाय टाटा मोटर इन सितंबर क्लियरली इंडिकेट दैट द कंपनीज न्यू जनरेशन कार्स। कंपनीज न्यू जनरेशन कार्स आर नाउ फाइंडिंग बायर्स इवन इन द
यहां पर कीवर्ड क्या है, यहां पर कीवर्ड है इवन। इवन का मतलब ये है कि इवन का मतलब ये है कि यहां पर एक कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड आपको चाहिए, ठीक है। देखिए इनका टाटा मोटर का जो शो हुआ है ये काफी अच्छा हुआ है, स्पेक्टेकुलर शो हुआ है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है दैट कंपनीज न्यू जनरेशन कार्स आर नाउ फाइंडिंग बायर्स, मतलब कंपनी कंपनी की जो नई जनरेशन की जो कारें हैं उनको बायर्स मिल जाएंगे इवन इन। अब इवन इन गुड टाइम नहीं हो सकता, इवन का मतलब है कि कॉन्ट्रास्टिंग एक वर्ड चाहिए, तो कॉन्ट्रास्टिंग जो वर्ड होगा यहां पर होगा इवन इन डिफिकल्ट टाइम्स, ठीक है। क्योंकि डेंस तो फॉग के सेंस में यूज होता है, कोई भी चीज पूरी तरीके से कवर होती है तो उसको हम डेंस बोलते हैं। कमेंडेटरी, कमेंडेटरी प्रेज वर्दी, ये नहीं आएगा। इनेप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड, ये भी नहीं आएगा। डिफिकल्ट इसमें एकदम सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। अ हैंडफुल ऑफ फार्मर्स, चलिए इस वीडियो को आप पॉज कर दें, इस क्वेश्चन को देखें आप और करें इस क्वेश्चन को, क्या आ सकता है इसमें। अ हैंडफुल ऑफ फार्मर्स एट किसान घाट इन द मॉर्निंग सेड दैट दे वर देयर फॉर सम मेंटल पीस। एक किसान घाट एक जगह है दिल्ली में, वहां पर कुछ कुछ किसान इकट्ठे हो गए हैं और वो बोल रहे हैं कि वो वहां पर मेंटल पीस के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इकट्ठे होने से संबंधित एक वर्ड आपको चाहिए, और देखिए इसमें दो वर्ड हैं हीप और स्टैक। हीप और स्टैक का मतलब क्या होता है, जब आप एक चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज को रखते हैं, जैसे किताबों को रखते हैं, तो उस सेंस में हम हीप का या स्टैक का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक के ऊपर तो रखा नहीं जा रहा यहाँ किसानों को, यहाँ तो इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए गैदर्ड वर्ड सही होगा यहाँ पर। यहाँ पर बी आपका आंसर होगा। स्क्वेंडर्ड का मतलब होता है वेस्ट ऑफ टाइम, ये किसी भी चीज को वेस्ट करना, ठीक है। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है और ये डबल फिलर का क्वेश्चन है, करिए इस क्वेश्चन को और बताइए इसमें सही आंसर आपका क्या होगा। एल ओ यू होता है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। आर अमंग द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट टू ओवरसीज क्रेडिट बाय इंपोर्टर नोन एज बायर क्रेडिट इन बैंकिंग। देखिए बैंकिंग से रिलेटेड एक वर्ड चाहिए, और बैंकिंग से रिलेटेड एक वर्ड जो है वो है बैंकिंग पार्लेंस। बैंकिंग पार्लेंस होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड की है, पर्टिकुलर रीजन की एक लैंग्वेज जो होती है उसको हम बोलते हैं पार्लेंस। बैंकिंग पार्लेंस मतलब बैंकिंग से संबंधित जो वोकेबलरी है, ठीक है। स्लैंग आएगा नहीं, क्योंकि स्लैंग तो इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी एक कॉमन वर्ड है, टर्मिनोलॉजी आ भी सकता है लेकिन अप्लाई नहीं आएगा यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट टू अप्लाई, क्योंकि अप्लाई के बाद फॉर आता है तो अप्लाई वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पर। सही आंसर होगा आपका बी। यदि आप कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं तो बैंकिंग के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, और अपनी सभी क्लासेस में मैं लॉजिकल रीजनिंग सिखाता हूँ जो कि बेस्ट तरीका है बैंकिंग के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये मॉक टेस्ट, मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। इसको लाइक करें, इसको शेयर जरूर करें, और आगे मैं डेली एक या दो, अभी एक मैंने अपलोड किया है, मैं कोशिश करूंगा कि डेली दो दो मॉक टेस्ट 15-15 नंबर के मैं अपलोड करूं। जब तक आपके IBPS स्तर के एग्जाम्स चल रहे हैं इनसे डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और डेफिनेटली आपको सेलेक्ट होने में, गवर्नमेंट जॉब हासिल करने में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में या नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक यू।